फ्लेमबाज, क्या सच में फ्लेमबाज डालने से सबसे अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आदामा कंपनी का फ्लेमबाज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। तो इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे एक्चुअली फ्लेमबाज क्या होता है, फ्लेमबाज में कंपोजिशन क्या डाला गया है, और उसके अलावा फ्लेमबाज को हम लोग कौन कौन सी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, और इसका क्या क्या फायदा देखने को मिलता है, इसका डोज कितना है, और उसके अलावा क्या हम इसके साथ किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड को या फिर फंगीसाइड को मिला करके एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसका बाजार में प्राइस कितना होता है, पूरे डिटेल्स में आज हम आदामा कंपनी का फ्लेमबाज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेमबाज क्या है। फ्लेमबाज एक आदामा कंपनी का टॉनिक है, जो कि इसको काफ़ी किसान यूज करते हैं और काफ़ी शानदार रिजल्ट लेता है, क्योंकि इसमें बाकी अन्य सारे पीजीआर से इसमें कुछ अलग ही प्रकार का कंपोजिशन डाला गया है। तो क्या ऐसा इसमें कंपोजिशन डाला गया है, चलिए जान लेते हैं। तो फ्लेमबाज में आप लोगों को एमाइनो एसिड के साथ साथ पेप्टाइड का मिश्रण दिया गया है, लेकिन एमाइनो एसिड तो बहुत सारे पीजीआर में रहता है, क्या सबका रिजल्ट इतना अच्छा होता है? नहीं, इसका ही रिजल्ट इतना अच्छा क्यों होता है? तो फ्लेमबाज में आप लोगों को 17 प्रकार की एमाइनो एसिड मिल जाता है, और इसी के कारण फ्लेमबाज पौधे में जैविक तंत्र के प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और भी बहुत सारे फायदा देखने को मिलता है इसके ऊपर, वो हम आगे जाके डिटेल्स में बात करेंगे एक्चुअली क्या क्या फायदा देखने के लिए इसका मिलता है। उससे पहले जान लेते हैं इसको हम लोग कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तो एमाइनो एसिड होने के कारण कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसी भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं फ्लेमबाज को हम लोग फसल पर छिड़काव करने के बाद क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला जो फायदा मिलता है, इसको फूल लगने के समय अगर छिड़काव करते हैं तो काफ़ी शानदार तरीके से फूल का मात्रा को बढ़ा देता है, और उसके साथ अगर फूल ड्रॉप होता है तो उसको भी ये रोक लेता है, और उसके अलावा ये पोषक तत्व को ग्रहण करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिसके कारण पौधे में कोई रोग बीमारी का प्रकोप नहीं हो पाता है। फ्लेमबाज को प्रयोग करने पर अजैविक तनाव को सहन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम बना देता है, और उसके अलावा पौधे के क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है, क्योंकि पौधे में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे में भोजन नहीं बना पाएगा, और अगर भोजन नहीं बना पाएगा तो जिस कारण से पौधा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसीलिए फ्लेमबाज को डालने से पौधा बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधे में फूल फूल ज़्यादा आता है, फूल फूल अगर ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा। और उसके अलावा फ्लेमबाज को जिस फसल में डालते हैं उसका ग्लेज और क्वालिटी कुछ अलग ही देखने के लिए मिलता है, और उसी के कारण उस पौधे का अगर फल आप लोग बाजार में बेचने लगते हैं तो सबसे पहले उसका फल बेच जाता है जिसमें आदामा का फ्लेमबाज डाला रहता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा बात फ्लेमबाज के ऊपर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं आदामा का फ्लेमबाज को हम लोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे आप लोगों को फूल आने के समय कर देना चाहिए, और उसके अलावा सेकेंड स्प्रे आप लोग जब फूल से फल बनता है उस टाइम पर आप लोग सेकेंड स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कितनी मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आदामा का जो फ्लेमबाज आता है उसको आप लोगों को 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज करके शानदार रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर 16 लीटर का पंप लिए हैं, और 16 लीटर के पंप में यहाँ पर हम 25 ml फ्लेमबाज को डाल रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, और उसके अलावा इसको अच्छी तरीके से घोल बनाकर हम यहाँ पर बैगन के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, और हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है। अब बात कर लेते हैं क्या फ्लेमबाज के साथ किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड को एक साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसके साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड को एक साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों, आदामा का जो फ्लेमबाज आती है उसका 100 ml का जो प्राइस होता है वो आप लोगों को 150 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन प्राइस के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें, क्योंकि प्राइस हर मार्केट पर हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए प्राइस के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें। तो ये था दोस्तों आदामा का फ्लेमबाज टॉनिक के बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।